हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिज़ाइनर रेडीमेड स्टाइल अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी वेड्थ है 44 इंच। और ये हमने गोटालेस ली है और ये समोसा गोटालेस भी ली है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। यहाँ से आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट + 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट + 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। नेक की मार्किंग हमें बाद में करनी है, सबसे पहले हम बैक आर्मोल कट करेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी हमें इसे ओपन कर लेना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे तो बैक नेक हम सिंपल राउंड में कट करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है। अभी इसको एक कॉर्नर से उठाकर ट्रायंगल में फोल्ड करना है। अच्छे से फोल्ड कर देना है, बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये इसकी ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी टॉप पार्ट को हमें यहाँ पर रख लेना है। जहाँ पर ये कमर का इसका साइज़ आएगा वहाँ तक इसको एडजस्ट करते हुए रखना है और कमर का निशान लगा देना है। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है बॉटम पार्ट की। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 34 इंच। तो यहाँ से हम 34 इंच पर निशान लगा लेंगे और इंची टेप को सरकाते हुए पूरे में हम 34 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और इन सारे पॉइंट्स को राउंड शेप में जोड़ेंगे। अभी इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर 2 पार्ट्स कम आए हैं तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ नीचे से जो फैब्रिक बचा है इसी को हम इस तरह से रखेंगे। 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखना है क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। उसके बाद नीचे का कपड़ा इस तरह से उंगलियों से देखते हुए हम इसको इसी शेप में ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जॉइंट के लिए 2 पार्ट्स निकाल लिए हैं। तो अभी इसको इसके ऊपर उल्टा कर देना है, दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर हमें पिंस लगा लेने हैं तो सिलाई करने में आसानी होगी। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी सीधी साइड अंदर की तरफ रख के पिंस लगा लेंगे। अभी इसको ओपन करेंगे तो ये बॉटम पार्ट के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की वेड्थ हमने ली है 10 इंच। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 15 इंच।
अभी यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना है, उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखना है। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है, तो हमने उल्टी साइड अंदर की तरफ रखी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने कैनवास पेपर लिया है और इसकी जो वेड्थ है वो 9 इंच की है और इसकी लेंथ 13 इंच की ली है। अभी इसको सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे। अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे 1.5 इंच पर और यहाँ से हमें इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से पैच की कटिंग करनी है। अभी हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, अभी इसको उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें पैच को रखना है और इसको प्रेस से चिपका लेना है। तो हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अभी यहाँ पर हम नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने राउंड नेक ड्रॉ किया था उसी को इस तरह से उंगलियों से हम चेक करेंगे और ड्रॉ करेंगे, इससे हमें लेस अटैच करने में आसानी होगी। उसके बाद अभी हमें इस पे सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। तो अभी ये हमने समोसा लेस ली है, ये पतली वाली है, तो इसको हम दोनों साइड में इस तरह से रखेंगे और इसको बीच में हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जो नेक का मार्क है उससे थोड़ा ऊपर की तरफ रख के हम इसको स्टिच करेंगे और दूसरी साइड में भी इस लेस को हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये प्लेन गोटा लेस हम स्टिच करेंगे दोनों साइड में। तो लेस को खींचते हुए स्टिच करना है तो झूल नहीं आता है लेस में। अभी फिर से हम दोनों साइड में समोसा लेस स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये हमने थोड़ी मोटी समोसा लेस ली है, इसको हमें उल्टा पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। तो उल्टा रखना है और पूरे राउंड में हमें इसे स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से बाद में ये लेस हमारी इस तरह से टर्न हो जाएगी सीधी साइड में। तो अभी इस पैच को हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है, सबसे पहले यहाँ पर हम सेंटर में कट लगा लेंगे। उसके बाद इसको उल्टा रखेंगे ओपन करके और ये पैच लेंगे, पैच के भी सेंटर पर हमें कट लगा लेंगे। और इसे भी हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है और नेक के शेप में सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर पिंस लगा लेंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे तो सिलाई परफेक्ट लगेगी। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है नेक राउंड में। अभी यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और इस पैच को हमें सीधी साइड में टर्न कर लेना है। अब पूरे पैच में हम पिंस लगा लेंगे। देखिए इस तरह से पूरे में पिन लगा लेना है और उसके बाद हमें टॉप स्टिच लगाना है और इस लेस को सीधी साइड में टर्न करना है और स्टिच कर लेना है। तो ये पैच हमारा यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। लेस को देखिए इस तरह से सीधी साइड में टर्न करना है। तो हमने पिंस लगाए हैं तो यहाँ पर झोल नहीं आएगा और हम इस पैच को अच्छे से स्टिच कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। अभी बैक नेक बनाएंगे। तो बैक नेक के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है, इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। तो हमने इस स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और इस स्ट्रिप को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और शोल्डर्स अटैच कर लेना है। अभी स्लीव्स का बॉटम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है और उसके बाद हमें यहाँ पर भी लेस स्टिच करनी है। तो सबसे पहले हम ये समोसा लेस स्टिच करेंगे ऊपर से और उसके बाद हम गोटा लेस स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स में लेस को स्टिच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रख लेना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरे साइड का स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें इसको उल्टा करना है और दोनों साइड से इसकी फिटिंग कर लेनी है और इसके बॉटम को हमें डबल फोल्ड कर देना है और बॉटम में भी हमें गोटा लेस स्टिच कर लेनी है।